नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। हरियाणा में फिर सुलगने लगी जाट आंदोलन की चिंगारी, खट्टर ने दी चेतावनी। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी है। जाट नेताओं ने 5 जून से एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एजेंसियों को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है। हरियाणा के 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। सोनीपत में धारा 144 लागू की गई है और आंदोलन की धमकी को देखते हुए मुनक नहर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर जाटों ने झज्जर में महापंचायत कर सरकार के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस बीच हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी में हुए जाट आंदोलन और हिंसा के लिए कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सीएम खट्टर ने जाटों के 5 जून के अल्टीमेटम पर कहा कि पुलिस पूरी तरह तैयार है और किसी भी उपद्रव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के नाम हुआ खिताब, टूट गया कोहली का सपना। विराट कोहली का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल का चैंपियन बनाने का सपना एक बार फिर टूट गया और सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 8 रन की रोमांचक जीत के साथ इतिहास रचते हुए आईपीएल 9 का चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। बेन कटिंग को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विजेता हैदराबाद को पुरस्कार के रूप में 15 करोड़ रुपए तथा उपविजेता बेंगलुरु को 10 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। क्रिस गेल और विराट ने हैदराबाद के 7 विकेट पर 208 रन के स्कोर का तूफानी अंदाज में पीछा किया, लेकिन विराट के 13वें ओवर में आउट होने के बाद बेंगलुरु की उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। बेंगलुरु ने लक्ष्य तक पहुंचने की तमाम कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों, खास तौर पर बेन कटिंग ने सटीक प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 9 का खिताब हैदराबाद की झोली में डाल दिया। बेंगलुरु की टीम 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। सऊदी अरब ईरानियों को हज करने से रोक रहा है ईरान। ईरानी हज संगठन ने कहा कि सऊदी अरब हज जाने के ईरानियों के पूर्ण अधिकार का विरोध कर रहा है। संगठन ने कहा कि सऊदी अरब मक्का में ईरानी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान की उसकी मांगों का जवाब देने में नाकाम रहा है। ईरान ने कहा कि इसके नागरिक इस साल हज यात्रा पर जाने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि सऊदी अरब बाधा पैदा कर रहा है। ईरान के संस्कृति मंत्री अली जन्नती ने बताया कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों तेहरान और रियाद के बीच ताजा विवाद के बाद ईरानी श्रद्धालु दुर्भाग्य से सितंबर में हज यात्रा पर जाने में सक्षम नहीं होंगे। उधर सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान की हज मांगे अस्वीकार्य हैं।